मोहम्मद अब्बास मुसाफर की तरफ से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है मैं एक टूरिस्ट हूँ, जहाँ भी जाता हूँ जो भी देखता हूँ साथ साथ आपको भी दिखाता हूँ। आजकल बहुत सारे दोस्त, ख़ासकर बिरूने ममालक से बहुत सारे दोस्त फरमाइश कर रहे हैं जी हमें देहात की वीडियोज़ दिखाएँ, हमें देहाती पस मंज़र दिखाएँ, इस तरह की वीडियोज़ की फरमाइश कर रहे हैं। तो मेरे लिए जो मेरे देखने वाले हैं वो काबिल साथ एहतराम है, उनकी राय का, उनकी ख्वाहिश का, फरमाइश का एहतराम है। इसलिए आज मैं आया हूँ गांव में, आप देख रहे हैं सादा माहौल है और शायद आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही हों, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको नेचुरल जो कुदरती आवाज़ें हैं वो दिखाई जाएँ और किसी किस्म के बैकग्राउंड म्यूज़िक से दूर रखा जाए। इसके अलावा दोस्त से बाप मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं, उन पर भी मैं कोशिश करता हूँ अमल करने की। बहुत सारे दोस्त ने कहा कि हमें जो देहाती ज़िंदगी का जो पुराना यानी कि दौर था जिसमें पुरानी चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो दिखाएं। और भी दोस्त बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, मेरी कोशिश होती है उनकी फरमाइशें पूरी की जाएं। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है कि जो दोस्त जिस तरह की वीडियोज़ देखना चाहता है आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं और अपने पसंद की जो वीडियोस हैं वो देखें, मुझे सपोर्ट करें। तो आएं जी, आपको आज गांव का माहौल, जो खेतों का माहौल है वो दिखाते हैं। ये मुख्तलिफ फूल हैं, देहात में ऐसे कच्चे रस्ते बहुत ज़्यादा होते हैं और कच्चे रस्तों पे बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, इसका एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही नज़ारा है। लेकिन बरसात के दिनों में कोशिश ना करें ये तजर्बा करने की, वरना मुश्किल में फंस जाएंगे। हर घर की ज़रूरत, बोर्ची खाने की सबसे अहम आइटम प्याज। ये प्याज का खेत है जी, फसल बिल्कुल तैयार है, चंद एक दिनों में ये काट ली जाएगी। शदीद गर्मी के दिन हो, धूप हो, इस तरह का सायादार दरख्त हो और उसके नीचे हो ट्यूबवेल और वो उसका ठंडा और ताज़ा पानी, ज़रा सोचें आपको नहाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा आपको। देहात में ऐसे नज़ारे जहाँ बजा नज़र आते हैं, यही वजह है शायद जो लोग यूरोप में जा बसे हैं वो मुझे ज़्यादातर वो ही फरमाइशें करते हैं बाहर के ममालिक में जो लोग हैं कि आप हमें देहात दिखाएं, खेत दिखाएं। अरे पंजाब बस, पंजाबी जिथे जिथे भी ने उन्होंने दिलों से पंजाब बस गया, निकलते ही नहीं ना ही निकलना है।
सामने आप देख रहे हैं जी, बोर्ड की छांव है, छांव के नीचे चारपाई है। और गर्मियों में ऐसी छांव के नीचे बैठने का अपना ही मज़ा है, अपना ही लुत्फ़ है। दरख्तों के नीचे जानवर भी बड़ा सुकून महसूस करते हैं, सच पूछे तो ये इनकी एक एंजॉयमेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा बगीचा है जिसमें मुख्तलिफ फलदार और फूलों के पौधे हैं, दरख्त हैं। गांव का सादा माहौल हर इंसान को पसंद आता है। गुलाब के फूल हैं और भी यहाँ पे फलदार पौधे हैं, सायादार दरख्त हैं। जी है जी पपीता, छोटा सा पौधा है लेकिन काफी सारा फल लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। पपीता, पपीते। गुलाब के फूल हैं और ये इकलौता पौधा है सूरजमुखी का और इस पर एक ही फूल है, कमाल है जी, खूबसूरत है। फूल जहां भी हो जैसा भी हो दिल को अच्छा लगता है। फूल तो गोभी का भी सोहना लगता है, की ख्याल है जी? इस तरह का सरसब्जा ताजा हवा हर इंसान को पसंद आती है, जहाँ पे परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें, सब्जे और फूलों की बहताब और इस तरह के नज़ारे। पिंड तो फिर पिंड ही होंगे ने ना जी, पिंडा दियाँ मौजा वक्रियाँ होंदियाँ, शहर की जिंदगी का अपना स्वाद है, पिंड की जिंदगी का अपना स्वाद है बादशाहो। एवें जी बोर्ड दियाँ जड़ा, बोर्ड तो बोर्ड दियाँ जड़ा, वो लोग हाजरी लवा जेडे कच्ची कौंपलां खाते ने, तुम वेख रहे हो ए कच्चिया कौंपलां जी जड़ा दियाँ ने, कुछ लोग इन्हों बड़े शौक न खाते ने।
अच्छा ये खाद वगैरह है भी खिला रोगे? हाँ क्या बात है। तो मुंह ते कपड़ा चपड़ा नहीं मलदे आ? वैसे वाल लेना चाहिए था यार। देखो मेरा ख्याल है खाद टाइप को दवाई है। पानी आ रहा जी आस्ता आस्ता। लो जी जड़े फरमाइशां करते थे उम्मीद है खुश होण गया सीन वेख के। खेत च पानी जान लग पिया जी। खाल भर गया ते पानी हुण खेत च जा रहा। मकई दा खेत है जी। ये ते मेरा ख्याल वध नहीं जाएगी। अच्छा सारी पानी इत्थे तुसीं पानी ला रहे हो तो बदल भी आ रहा। मौसम बड़ा वधिया हो गया जी। आ तुसीं देख रहे हो सूरज तो काफ़ी उत्ते आ गया लेकिन बदल है जिहदी वजह नाल सूरज ने जी शक्ल नहीं विखाई। गैलन रोड के आ गई जनाब नाल। दोस्तों मैनू एक गल याद आ गई है। इंज दा खाल वगदा हुंदा सी उहदे उत्ते मंजी डाह के ते पैर थले लमका के इस पानी विच ते स्कूल दी छुट्टियां दा कम करीदा सी। यकीन करो की नज़ारा हुंदा सी। आहा कदी तुसीं भी तजर्बा करके वेख्या जे मज़ा ना आया तद के आ जे। जिहड़े नज़ारे ने इह साडी जिंदगी दे चारे पासे विखरे होए ने बस वेखन वाली अख चाहिए है। मैनू तो यह भी सीन बड़ा ही प्यारा लग रहा है। खाल दे विच पानी आ रहा है तो इंज लग रहा जिवें किसी पहाड़ तो झरने का पानी आ रहा है। तुसीं देख रहे हो जी ताज़ा पानी। इहदी कदर करो। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हिस्से ने बल्कि दुनिया के भी ऐसे बहुत सारे हिस्से ने जिथे पानी नायाब है। पानी एक अल्लाह की ऐसी नेमत है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहां इसकी बहुत ज़्यादा कदर है। चूँकि मैं एक टूरिस्ट हूं पाकिस्तान में घूमता रहता हूं मैंने ऐसी ऐसी जगह भी देखी हैं कि जहाँ पर एक एक पानी का गिलास बहुत कीमती होता है। इसलिए पानी की कदर करें। ठंडा और ताज़ा पानी यहाँ पे नहाने का अपना ही मज़ा है जी।
हाँ जी, किनिया को पंडा वंडड़ियाँ जे दो पंडा। तो किन्नी कु दीवार जी दो पंडा वाडल हो गए, 15-20 मिनट। वेख रहे जी मुंडा मेहनत कर रहा, पट्ठे वढ़ रहा, कहिंदा दो पंडा वढ़निया ने। चलो असीं भी इत्थे ही आ, मझां छड़नियां ने, मझां चारन जाणा। अच्छा लो जी, मुंडे ने एक पंड पट्ठे वढ लईए, हुण हो गया नक्का बनण वास्ते। हाँ जी दोस्तों, आज मैंने आपको खेतों की सैर करवाई है, इसके अलावा और चीज़ें दिखाई हैं, तो आपको ये सब कैसा लगा है? ख़ासकर जो माहौल की कुदरती वादे हैं वो आपको कैसी लगी हैं, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मामूली सी वीडियोस को देखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुदा हाफ़िज़।